तो गुरु मून नाइट की सीरीज आने वाली है और इसका ट्रेलर भी आ चुका है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसे मार्वल का बैटमैन क्यों कहा जाता है। तो आइए बात करते हैं मून नाइट की ओरिजिन स्टोरी के बारे में। तो गुरु मून नाइट एके मार्क स्पेक्टर एक ज्यू फैमिली का भौकाल लौंडा है। बचपन से ही इसे डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा था क्योंकि वो टाइम हिटलर का था और उसकी फैमिली और वो किसी तरह नाजी के प्रोसिक्यूशन से बचकर शिकागो आ गए थे। और बचपन से ही इतने सारे सैड इवेंट्स को देखने के कारण मार्क को DID का कीड़ा काट लेता है, डांस इंडिया डांस वाला नहीं, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। और फिर जो है यहीं पर उसकी दो आइडेंटिटी बनती है और इसके इसी बीमारी के कारण उसे बहुत सारे जॉब्स निकाल दिया जाने लगा, जैसे कि मिलिट्री से निकाल दिया गया, फिर उसने CIA में काम किया, फिर उसे भी छोड़कर फ्रीलांस फाइटर बन गया। और इन सारे कामों से उसे हैंड टू हैंड कॉम्बैट प्लानिंग स्पाई और एग्जीक्यूशन का एक्सपीरियंस भी मिला। फिर इसने अपने दोस्त फ्रेंची के साथ बहुत सारे छोटे मोटे मिशंस किए। ऐसे ही एक मिशन के लिए रॉल्फ बुशमैन नाम के कैरेक्टर ने उसे हायर किया। बुशमैन इन दोनों और कुछ आर्कियोलॉजिस्ट के साथ एक एंशिएंट इजिप्शियन टूम को ढूंढने जा रहा था। खबर मिली थी कि टूम में बहुत सारा खजाना है। बुशमैन और उसके लीड आर्कियोलॉजिस्ट के बीच में बहस होने के कारण बुशमैन अपने लीड आर्कियोलॉजिस्ट को जान से मार देता है और यह देखकर मार्क बुशमैन से लड़ पड़ता है, जिसमें मार्क जो है अधमरा हो जाता है। इसके बाद वहां के लोकल्स उसे एक टेंपल में ले गए और एंशिएंट गॉड खोंचू के आइडल के सामने रख देते हैं। और यहीं पर जन्म हुआ मार्क के तीसरे पर्सनैलिटी मून नाइट का। और क्राइम के अगेंस्ट लड़ाई की शुरुआत उसने बुशमैन के लोगों को ठिकाने लगाकर की। मार्क इजिप्शियन न्यूयॉर्क आ गया, सूट बनाया, बहुत सारे एडवांस गैजेट्स बनाए और वेपन बनाए। तो ये था मून नाइट AKM मार्क, मार्वल का बैटमैन। तो अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पर जिसके लिए आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है। तो पहले सिमिलैरिटीज जो है कि दोनों ही विजुलांटीज हैं और दोनों ही बहुत अच्छे फाइटर हैं। दूसरी, दोनों ही रईस है, पैसों के मामले में दोनों ही रईस है एकदम। DC का ब्रूस वेन एक रिच बंदा है जबकि MCU का मार्क स्पेक्टर तीन कैरेक्टर्स में से एक रिच कैरेक्टर का रोल प्ले करता है, मतलब दोनों ही प्लेबॉय मिलियनर है। और तीसरी और सबसे बड़ी बात, क्रिमिनल्स को लेकर के दया का भाव बिल्कुल दोनों में से किसी के पास नहीं है, कसम से। आदमी अधमरा पड़ा हुआ है पर फिर भी मारते रहते हैं। अब इतनी बात कर ही लिए तो कलर्स की बात कर लेते हैं। बैटमैन बैट कलर्स को यूज करता है, मून नाइट मून कलर को यूज करता है। और आखिरी चौथा पॉइंट, अब जब इतना जोड़ ही लिया है तो एक और जोड़ लेते हैं। बैटमैन का बटलर अल्फ्रेड है जबकि मून नाइट का बटलर फ्रेंची है, उसका दोस्त। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अगर अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर देना और बेल आइकन भी दबा देना।